नेपाल की सीमावर्ती लौखा स्थित एसएसबी की कंपनी ने एलएनजे हाई स्कूल मैदान में एमपीसी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बल के लौखा की कंपनी क्षेत्र के अलावा श्री रामपुर बीओपी और धनुषी बीओपी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में एसएसबी के कमांडेंट अरविंद वर्मा ने आयोजन के उद्देश्य से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना एमपीसी कार्यक्रम का मकसद है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में मानव तस्करी के अलावा नशाखोरी की भी समस्या है, क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि एसएसबी और आम नागरिकों के बीच सहयोग, प्रेम और समझदारी जरूरी है। इन्हीं बातों के लिए एसएसबी का प्रयास रहता है। कार्यक्रम में कमांडेंट परमात्मा सिंह सहित कई ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद थे। एक बार एक स्कूल में शिक्षा पदाधिकारी पहुंच गए तो उन्होंने पूछा कि बच्चे बताओ तो शिव का धनुष किसने तोड़ा।